ये आप देख रहे हैं कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जगह वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कुर राजा कंस के जेल हाउस में खुद को प्रकट किया और अपने पिता वासुदेव और उनकी माँ देवकी को मुक्त कर दिया। उनका उद्देश्य बुराइयों को नष्ट करना। कृष्ण जन्मभूमि के बाद हम चलते हैं संध्या यमुना जी की संध्या आरती, जहाँ पे यमुना जी की संध्या आरती आरंभ हो रही है। आप संध्या आरती का आनंद उठाइए, जोर से बोलो यमुना जी की जय, मैया यमुना जी की जय, जय हो यमुना मैया की जय हो। सुबह सुबह हम राजाधिराज द्वारकाधीश मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं यमुना मैया के दर्शन आप कीजिए। आप देख रहे हैं सूर्य उदय के टाइम पे यमुना मैया के दर्शन कीजिए, पुण्य लाभ कमाइए। जय यमुना मैया की जय। यमुना मैया के बाद में फिर राजाधिराज द्वारकाधीश मंदिर के आपको दर्शन कराएंगे। ये आप देख रहे हैं यमुना जी से विश्राम घाट का दृश्य है। विश्राम घाट से हम मथुरा जी के द्वारकाधीश मंदिर की ओर चलेंगे। द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण 1814 में सेठ गोकुलदास पारिख ने बनवाया था, जो ग्वालियर रियासत का खजांची था।
यह मंदिर विश्राम घाट के नज़दीक है, जो शहर के किनारे बसा प्रमुख घाट है। भगवान कृष्ण को अक्सर द्वारकाधीश या द्वारका के राजा के नाम से पुकारा जाता है और उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम पड़ा है। आजकल इस मंदिर का बंदोबस्त वल्लभाचार्य संप्रदाय देखती है। मुख्य आश्रम में भगवान कृष्ण और उनकी प्रिय राधा की मूर्तियां हैं। यह आप देख रहे हैं राजाधिराज द्वारकाधीश मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर में हजारों की संख्या में आने वाले पर्यटकों का स्वागत करता है और त्यौहार होली और जन्माष्टमी के समय यहाँ पर भीड़ और बढ़ जाती है। यह अपने झूले के त्यौहार के लिए भी मशहूर है, जो हर सावन महीने के अंत में आयोजित होता है। इससे बरसात की शुरुआत का आगाज भी होता है। जय धीरराज राजाधिराज द्वारकाधीश महाराज की जय।